आजा चल। ये है ऑफर, ऑफर का मतलब तो मेरी थाली लंच की। मौसम हो रहा बहुत खतरनाक किसे आते हुए हम जो कुछ रुक गए स्कूल सुनसान पड़ा हुआ। ये हेलो दूरी पहला कैसे हम सभी लोग तो शुरू कर लेते हैं आज का ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। हम जा रहे कहाँ? कम्मा गम्मा जल्दी कहाँ जा रही? कम्मा गम्मा पाड़ा था बच्चा आता आता अरे आ रहा है यार तेरे बुलाने पे पठा पठा मारेगा हाँ मारेगा ये पठा यो ये देख पीछे है पठा देख पीछे तेरी तरफ आ रहा पठा ये है पठा ये वाला पट्टा है ये आपको आ जाओ आ जा चल ये है ऑफर। ऑफर का मतलब होता है जहाँ पे लोहे के बर्तनों को धार दी जाती है। लोहे के बर्तन बनाए जाते हैं या फिर खारे जाते हैं कहते हैं लंच। ये है खिचड़ी, इसमें मैंने थोड़ा सा अचार डाला है घर वाला। और यह है चार रोटियाँ, देखते हैं कितना खाई जाती है। ये है सब्जी और ये मीठे की क्रेविंग होती है मुझे कभी कभी, तो ये है खजूर कहते हैं जो भी कहते हैं। तो मेरी थाली लंच की रोटी बच गई, बाकी सब चट कर लिया मैंने। हेलो दोड़ियो मैं आ चुकी हूँ वॉक पे, यानी 45 वॉक मिनट वॉक पे। तो 45 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं आधा मैंने सुबह कर दिया, थोड़ा सा अभी हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। बट फिलहाल मैं वैसे ही आई हूँ, मौसम हो रहा बहुत खतरनाक, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। चलिए फिर ये देखो इतना ख़तरनाक मौसम हो रहा है, 5 के सफ़ेद पत्ते दिख रहे हैं, इसका मतलब कितनी तेज़ हवा चल रही है, कैसे तूफानी हवा चल रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आम जो बढ़िया करना ठहर दी ना ठहर दी अभी चल अरे पहला ये राधिका भाभी पहला नमस्ते महिला संगीत यहाँ है महिला संगीत आज मैं यहाँ आई। कुछ रुक गए स्कूल सुनसान पड़ा हुआ है, आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हो गई ना इसलिए नहीं तो पुछड़ो और मोहले हले ये देखो माँ तो माँ होती है, इसका एहसास मुझे आज हो रहा है क्योंकि मैं कभी भी ऐसे नहीं रखती हूँ किसी को खिलाने के लिए, और पहली बार मेरी बच्ची को ये पसंद है ना, तो इसलिए मुझे कितना ध्यान है। जबकि मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन मैं इनमें से एक नहीं खाऊँगी, भोको दूँगी। बड़े मुश्किल से चख भी लिया तो एक ये मेरे भो के चेहरे की खुशी खुश हुआ भो हेलो दोड़ियो गुड इवनिंग। तो आज का व्लॉग मैंने बहुत बड़ा तो नहीं रखा है लेकिन छोटा छोटा, ताकि मैं थोड़ा से शेयर कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस एक साल के। तो यार एक साल का एक्सपीरियंस ऐसा है ना, कुछ खास नहीं है यूट्यूब पे, बट ठीक है, मतलब अपनी मेमोरीज सेव होती गई। और अगर मैं कभी बूढ़ी हो के, जब मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊँगी तो तब इन मेमोरीज़ को देखूँगी, इन सबको देखूँगी, तो मतलब तब मैं उन चीज़ों को देख सकती हूँ यार उस टाइम पे ऐसा था। तो और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है यार, सक्सेस का ऐसा है कि बहुत इजीली किसी को सक्सेस नहीं मिलती है। बाकी देखो बताओ आप लोग क्या करूँ, मैं यूट्यूब छोड़ दूँ या कंटिन्यू करूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं वीडियो तो पहले भी बनाती थी और फ़ोटोज़ वगैरह वगैरह हम सभी लोग लेते हैं आजकल, तो बस उसको एडिट करके डालना है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, टाइम वेस्ट वाला काम नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है ये कि मैंने अभी तक यूट्यूब पे कोई एक रुपया भी खर्च नहीं करा है,
और मेरा ये इरादा था कि जब तक इनकम ना आ जाए तब तक मैं एक रुपया यूट्यूब के लिए खर्च नहीं करूँगी। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है, कंटिन्यू करूँगी तो ऐसे ही करूँगी, वरना पैसे खर्च करके कंटिन्यू तो मुझे नहीं करना है। बाकी जो चल रहा है ठीक है, चलने देते हैं। और आप भी सजेशन दीजिए कि मैं छोड़ूँ या रखूँ। और बाकी एक्सपीरियंस ऐसा है यार, ठीक ही है यार, पता मैं 100 लोग तो कम से कम ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े रहते हैं, जो मुझे और मेरे व्लॉग्स को देखना पसंद करते हैं, तो मेरे लिए इतना भी काफ़ी है ये होने को। बाकी ठीक है, मेरे बच्चे की मेमोरीज़ हैं, मेरी मेमोरीज़ हैं जो आगे चल के अच्छी लगेंगे देखने में। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। और आप सजेशन दीजिए कि एक साल बाद मुझे कोई ख़ास कामयाबी हासिल तो नहीं हुई है, बट छोड़ दिया जाए या कंटिन्यू करा जाए, ये आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग देखना कैसे कैसे लगते हैं। वैसे आप लोग कमेंट तो कम ही करते हो, हालांकि मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, बट फिर भी आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सच में राय दें कि मैं छोड़ दूँ या कंटिन्यू करूँ, देखो कैसा होता है, देखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग इसी के साथ ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय माँ काली।